हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू करियर कूल ये वीडियो है एरोस्पेस इंजीनियरिंग पे दिस इज द पार्ट वन ऑफ द वीडियो और हमारे पोर्टल पे आपको और भी पार्ट्स मिल जाएंगे जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देंगे कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कौन सी कंपनीज हैं क्या काम होता है कौन सी कंपनीज जो हैं वो कहां पे सिचुएटेड हैं तो आपको कौन से कॉलेजेस लेने चाहिए अगर आपको बाहर जाके पढ़ना है सो दैट यू आर नियर बाय दोस कंपनीज बिकॉज़

सो वॉट डज वन स्टडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग आइए देखते हैं इस वीडियो में जो पांच से दस मिनट का होगा अगर आप देखिए तो ये एक प्रोडक्ट है ये एक मिसाइल का एक हेड है जो बन रहा है तो आप देखिए कितने सारे इक्विपमेंट्स यहाँ लगे हैं हर एक इक्विपमेंट को बनाने के लिए एक अलग टीम चाहिए हलेक्ट इक्विपमेंट को बनाने के लिए अलग टीम चाहिए और जो भी टीम होगी वो पहले उसे डिजाइन करेगी डिजाइन करेगी यानी कि समझेगी कि उसमें कितना फोर्स लगने वाला है उसका काम क्या है उसका डिजाइन में उसका ब्रेथ लेंथ हाइट कितना होगा और उसके पेरिफेरियल फंक्शंस या ऑक्सिलरी फंक्शंस क्या होंगे और उसकी वजह से दूसरों पे क्या इफेक्ट होगा ये सब कुछ डिजाइन में देखा जाता है और डिजाइन के बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है प्रोडक्शन करा जाता है और अगर आपने आ, मिशन मंगल देखी है तो उसमें जो डिफरेंट टीम्स थी मटीरियल साइंस की टीम थी Uh, एक सैटेलाइट की टीम थी एक प्रपलशन की टीम थी अलग अलग जो टीम्स थी वो ऑलमोस्ट एक काफी रियलिस्टिक है पूरी तरह से नहीं बट एट्टी परसेंट रियलिस्टिक डिपिक्शन है कि, कि किस तरह का काम एरोस्पेस कंपनीज में होगा चाहे वो नासा हो डी हो या इसरो हो uh, सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट पहले आता है वो आता है सिस्टम्स इंजीनियरिंग अगर आप कंप्यूटर साइंस या फिर मैकेनिकल में हैं तो आपको पता होगा सिस्टम्स इंजीनियरिंग क्या है इतने बड़े बड़े सिस्टम्स को आपको कंट्रोल करना है विद पुश ऑफ बटन तो इसको चेक करना सिस्टम्स में दो तीन चीजें जो होती हैं दो तीन सिस्टम्स uh, मिलाए जाते हैं एंड देन उनका जो इलेक्ट्रॉनिक इनपुट होता है कि वो कैसे काम करेंगे वो कंप्यूटर को दे दिया जाता है सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम्स इंजीनियरिंग फिर आता है फ्लूड मैकेनिक्स अगर आपने कभी भी लॉन्च होते देखा है मिसाइल uh, को या रॉकेट को तो ये लो कि इसमें से काफी सारा प्रपल्शन निकलता है काफी सारा फ्यूल निकलता है और वो जो फ्यूल है जब वो हिट करता है हमारे अर्थ को उससे हमें थ्रस्ट मिलता है थ्रस्ट का मतलब होता है फोर्स तो हमें उससे फोर्स मिलता है और वो फोर्स जो है रॉकेट को या जो सैटेलाइट डिलीवरी करने जा रहा है रॉकेट उसको काफी दूर तक लेके जाता है अब वो कैसे फ्लो होगा वो कैसे फ्लो होगा और जो विंड स्पीड्स होंगी जो विंड स्पीड्स होंगी उसको वो कैसे मैनेज करेगा ये सब पढ़ाया जाता है आपको फ्लूड मैकेनिक्स में तो प्रपोलशन कैसे होने वाला है या वो जो फ्यूल है कैसे बढ़ने जलने वाला है ये फ्लूड पार्ट नहीं है बट विंड स्पीड से कैसे इंटरेक्शन होगा या विंड स्पीड का क्या इफेक्ट होगा हमारे मिसाइल या रॉकेट पे ये डेफिनेटली फ्लूड मैकेनिक्स का पार्ट है प्लस इंटरनली काफी फ्लूड्स रन कर रहे होते हैं फ्यूलिंग सिस्टम्स जैसा एक एग्जाम्पल हो गया ये सब फ्लूड मैकेनिक्स का पार्ट होता है फिर आता है इंजन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इंजन कि हम इंजन कौन सा लगाएंगे उस इंजन से क्या क्या चीजें होंगी और यह आता है थर्मोडायनेमिक्स प्रपल्शन एच एम टी टर्बो मशीन ये सब इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं टर्बो मशीन मतलब बहुत बड़ी मशीन इस तरह की टर्बो मशीन और एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के बाद आप रॉल्स रॉयस जैसी कंपनी में भी काम कर सकते हैं रॉल्स uh, रॉयस जैसी कंपनी में काम कर सकते हैं मर्सडीज में भी काम कर सकते हैं बिकॉज रॉल्स रॉयज एंड मर्सडीज के जो इंजन होते हैं वो एक तरह से टर्बो मशीन हैवी मशीन होते हैं हार्डली डिवेक्ट भी कभी कभी एरोस्पेस uh, इंजीनियर्स को हायर करता है फॉर डिजाइन एंड मैनुफेक्चरिंग ऑफ देयर इंजिन तो याद रखिएगा थर्मोडाइनमिक्स प्रपलशन एच का डायरेक्ट कनेक्शन है डिजाइनिंग प्रोडक्शन ऑफ इंजिन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे बड़े बड़े मोटर्स बड़े बड़े रोटर्स डिफरेंट uh, बड़े बड़े कूलिंग सिस्टम काम है फिर से थर्मोडन एच एम टी जैसे आपको दिखाया इसका इफेक्ट हमने बना तो लिया हमने उसका इंजन बना लिया बट उसका काम क्या उसका काम आप देख रहे हैं ये जैसे कि इन्होंने लॉन्च किया है तो ये जो इसमें थ्रस्ट मिल रहा है कि ऊपर की तरफ फोर्स मिल रहा है यही इसे लेके जाएगा यही से लेके जाएगा क्योंकि जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी चलने में क्या होता है कि गाड़ी के पहियों को वो आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ धकेलता है पीछे की तरफ और फ्रिक्शन जो होता है फ्रिक्शन उसे लेके जाता है तो यहां पे जो है वो फ्रिक्शन हमको मिलेगा विंड से जो हमें फ्रिक्शन है वो मिलेगा विंड से और स्टार्टिंग में हमें मिलेगा स्टार्टिंग में जो मोमेंटम मिलेगा वो हमें मिलेगा इस तरह के फ्यूल के जलने से जितने भी चीजें एरोस्पेस इंजीनियरिंग में होगी चाहे वो सैटेलाइट में लगावा सेटेलाइट uh, में लगे हुए पार्ट्स uh, हो या फिर पूरा हमारा फ्यूलेज हो जो जिसमें फ्यूल uh, रखा गया है या फिर उसका हेड हो उसके सबका डिजाइन यानी वो कितना बड़ा होगा क्या उसका काम होगा वो सॉफ्टवेयर से टेस्ट किया जाता है मतलब सॉफ्टवेयर से सॉरी डिजाइन किया जाता है और फिर टेस्टिंग करी जाती है जैसे यहाँ पे मटेरियल्स की टेस्टिंग हो रही है एंड अगर आपको याद होगा तो कल्पना चावला वाज अ वेरी फेमस एस्ट्रोनॉट जिनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई थी जब वो शटल से वापस आ रही थी और वो शटल में जो फेलियर हुआ था वो मटेरियल का फेलियर हुआ था कि कहीं एक जगह पर वापस आते हुए उनका कुछ जो पार्ट था उनके शटल का वो क्योंकि टेम्परेचर और उस फोर्स को बेयर नहीं कर पाया तो छोटा सा पार्ट टूट गया उसकी वजह से पूरा का पूरा शटल क्रैश हो गया सो so, इस तरह की टेस्टिंग करी जाती है पूरी बॉडी पे पूरी बॉडी पे फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर बिकॉज ये सब बहुत ज्यादा चेंज होता है वंस अ मिसाइल रॉकेट और एन सैटेलाइट इज गोइंग आउटर स्पेस तो एरोस्पेस की अगर हम बात करें तो उसमें क्या 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 कॉम्पोनेंट आते हैं उसमें कॉम्पोनेंट जो आते हैं वो आता है एक तो एस्ट्रोनॉट खुद तो जो स्पेस स्टेशन हैं जो स्पेस में स्टेशन बनाए गए हैं वो तो डेफिनेटली उसका एक पार्ट है उसका मैन्युफैक्चरिंग उसका स्टैब्लिशमेंट की वो जाके वहां लग जाए दूसरा है टेलाइट सैटेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डिफेंस कम्युनिकेशन के लिए हमारी वेदर फोरकास्टिंग के लिए हमारे, के लिए, हमारे uh, घर में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो रहा है उसके लिए फिर हमारे स्पेस में जाने वाले रॉकेट्स uh, और फिर एक जो इम्पोर्टेंट चीज है फोर्थ नंबर पे वो है रोवर्स जो कि एक ऑटोमेटेड मशीन होते हैं ऑटोमेटेड जैसे कि ड्रोन होता है वैसे ही रोवर्स हैं बट रोवर्स चलते हैं जमीन पर तो ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट <coughs> है एरोस्पेस इंजीनियरिंग का मटीरियल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है एंड उसके बाद आपको अगर बाई चांस एरोस इंजीनियरिंग आई आई बॉम्बे में नहीं मिला है तो यू कैन ऑल्सो चूज फॉर मटीरियल साइंस और अगर आप मटीरियल साइंस में अच्छे होंगे तो सैटेलाइट का पूरा मटीरियल का टेस्टिंग आ, उसके डिफेंस में डिफेंस में क्योंकि यूज होता है तो डिफेंस में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि किस तरह का मटेरियल यूज होता है मटेरियल साइंस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मास्टर्स के लेवल पर एंड ये का, काफी एप्लीकेशन इसका डिफेंस और एरोस्पेस में होता है तो जैसे मैं बताया था एग्जाम्पल है और रोवर जो है एक्सप्लोरेशन के लिए पानी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बट इसको चलाने के लिए उसको बनाने के लिए दो तरह के, के इंजीनियर की बहुत ज्यादा जरूरत है एक्चुअली uh, तीन एक है कंप्यूटर साइंस जो माइक्रो प्रोसेसर और इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रोग्राम कर सके इस सब को प्रोग्राम करके चला सके बिकॉज ये रिमोटली चल रहा है वो यहाँ पे अर्थ पे बैठ के इसको चला रहे हैं तो इसके कैमरे को देख के इनके सारे व्हील्स को वो कंट्रोल कर रहे हैं कि वो चल पाए और फिर मैकेनिक्स एक मैकेनिकल इंजीनियर की भी जरूरत चाहिए क्योंकि इसमें मैकेनिक्स बहुत ज्यादा चाहिए बनाते हुए कि वो एक ऑल टेरेन व्हीकल मिले बने इन तरह के गड्ढे पत्थर और इन सब पे चल सके तो किस तरह पे उन्हें कहाँ पे उन्हें टीओ एम लगाना चाहिए थ्योरी ऑफ मशीन पे स्पिंग रहेगा कहागा कहा uh, किस तरह का डिजाइन रहेगा उनके पहियों का ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नहीं तो वो चल नहीं पाएगा तो अगर आप काम करना चाहते हैं तो डी एक ऑप्शन है इसरो एक ऑप्शन है आई प्रोजेक्ट्स करती है इंडिया में वो ऑप्शन है बाकी बहुत सी कंपनीज हैं जो इनके सप्लायर्स हैं क्योंकि ये हर एक चीज खुद नहीं बनाते मोस्टली असेंबलीज करते हैं यहाँ तक कि एच भी आपके लिए एक ऑप्शन है एन भी आपके लिए एक ऑप्शन है प्लस नासा आपके लिए डेफिनेटली ऑप्शन तो है ही और इन सबके होती हैं। तो में आपको भी मिल सकता है तो सैटेलाइट या फिर इंजीनियर्स ऑल ओवर वर्ल्ड एक साथ लग जाते हैं तो आपको जॉब भी मिल सकता है प्लस आप पीएचडी के थ्रू भी जा सकते हैं तो एक ओवरऑल आपको समझ में आ रहा होगा कि थर्मो डायनेमिक्स एच एम और फ्लूड डायनेमिक्स मटीरियल साइंस ये सब काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स uh, हैं जो आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पढ़ने हैं तो बाकी वीडियोज आप जरूर हमारे पोर्टल पर देखिए